मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ, पूर्व सचिव महाराष्ट्र चित्रपट कामगार सेना भाजपा। आज मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं जिसका नाम नितिन गुप्ता है और ये पिछले 20 वर्षों से केवल ठगी और जबरन उगाही, लोगों को फंसाने जैसे कुकृत्य करते हुए आज पता नहीं पार्टी की अनभिज्ञता के कारण बीजेपी का सदस्य या पदाधिकारी बना बैठा है। मैं भाजपा से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस व्यक्ति को तत्काल, अगर ये किसी भी पद पर है, निष्कासित करते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। किस तरीके से भाजपा का जो लेटर हेड है वो यूज करता है और उसमें ये दिखाता है कि मैं मुंबई सचिव हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, और इसी ऐसे लेटर बना करके ये माड़ा या नगर पालिका के अफसरों पर या पुलिस पे दबाव डालता है। अब मैं दिखाऊंगा, ये मैंने इसको पैसे दिए थे जिनकी मांग करने के बाद ये मुझसे विवाद किया। ये देना बैंक से 50,000 रुपये एक गया है मेरा, या पास से लीजिए। और ये दूसरा पैसा गया है मेरा एक्सिस बैंक से, मेरी मिसेज के खाते से। पहले 12.95 रुपये गूगल किया है, फिर उन्होंने 19,000 कुछ रुपये डाले, ये आप देखिए। अब मैं दिखाता हूं इसके ऊपर अनगिनत, एक दो केस नहीं है, अनगिनत 420 ठगी जबरन उगाही के इसके अनगिनत कोर्ट में केस चालू हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये FIR कॉपी है इसके ऊपर 2010 की। ये किसी व्यक्ति की गाड़ी लेके जाता है और उसको अपनी गाड़ी बता करके किधर गिरवी रखता है, जिसके ऊपर 420 का केस अंधेरी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कोर्ट में कितने केस हैं। आप ये देखिए, नितिन गुप्ता, ये ठग का नाम है नितिन गुप्ता, ये सारे केस इस व्यक्ति के ऊपर है, जो कि 15 से 20 केस अंधेरी और बोरीवली कोर्ट में रजिस्टर है, जिनके ऊपर इसके ऊपर केस चल रहा है। एक केस पे इसको सजा मिल चुकी है, ये कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, 2 साल की सजा इसको हो गई है। ये हम लोगों ने कंप्लेन डाला है, 3 बार हम लोगों ने कंप्लेन डाला है। ये इसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है, 2 साल की सजा है और 5.5 लाख रुपये जुर्माना है। सैकड़ों लोगों के साथ ठगी करने वाला व्यक्ति अगर किसी पार्टी में है तो उस पार्टी की छवि का क्या होगा, और ये ऐसा व्यक्ति क्या किसी पार्टी की उन्नति के लिए कार्य कर सकता है, ये भाजपा को विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, मैं यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है या जो यहाँ के सीनियर और ऑफिसर है उनसे विनती करना चाहूंगा कि इसके ऊपर तड़ीपार का तुरंत ऑर्डर निकाले, क्योंकि ये समाज के लिए कंटक है। ये जो आज मैं आपके सामने पोस्टर लेके खड़ा हूं, एक तो आप फोटो देख रहे हैं, एक ठग है मुंबई का, जिसके ऊपर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में, मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में इसके ऊपर दर्जनों केस ठगी के 420 के रजिस्टर हैं। ये व्यक्ति पिछले 3 महीनों से मुझे परेशान कर रहा है, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मुझे बदनाम करने की कोशिश किया,
उन चैनलों से के माध्यम से मुझसे जबरन उगाही करने की कोशिश की, और जब नहीं उसको कुछ मिला तो मंदिर का एक कोना था जो यहाँ के जो भक्तगण आते हैं उनकी सुविधा के लिए मैंने एक पत्रे की छत बनाई थी, जिसको इसने माड़ा के अधिकारियों के साथ मिलकर के तोड़वा दिया। अब बताऊं मैं ये व्यक्ति के बारे में आज मैं आपसे चर्चा क्यों कर रहा हूं। ये व्यक्ति मुझे 2018 में एक पार्टी कार्यक्रम में मिला, जहां पर इसने अपना परिचय भाजपा के उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम जिला के सचिव के रूप में, कामगार मोर्चा के सचिव के रूप में मुझे दिया। इसके बाद 2-3 बार ये मुझे मिला। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के चित्रपट कामगार सेना का महाराष्ट्र सचिव था। 2-3 बार मुलाकात करने के बाद एक दिन ये मेरी सोसाइटी के नीचे परेशान हालत में आया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 1 लाख रुपए की मदद करो, मैं वो 1 लाख रुपए आपको 15 से 20 दिन में रिटर्न दे दूंगा। मैंने इसको पार्टी का कार्यकर्ता समझ करके 1 लाख रुपए दिया। वो पैसा आज तक इसने मुझे वापिस नहीं दिया। मंदिर का कार्य हो रहा था, जनवरी महीने की बात बता रहा हूं मैं, ये इस रोड से निकला। मैंने इसको पूछा, भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? तो मुझसे बदतमीजी से बात किया, जिसके बाद वाद विवाद हुआ और ये भाग गया। तब से निरंतर ये व्यक्ति भाजपा के लेटर हेड का दुरुपयोग करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब का फोटो का गलत इस्तेमाल करते हुए या भाजपा के अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका फोटो इस्तेमाल करते हुए, ये मुझसे ही नहीं, इस क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्रों से छोटे छोटे धंधे वालों से उगाही करता है। इसको एक मामले में चीटिंग केस में 2 साल की सजा और जो चार्ज था उसका डबल 5,35,000 भरने को आया। मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष से विनती करना चाहूंगा कि अगर ये पार्टी में अगर है किसी भी पद पर तो इसको तुरंत निष्कासित किया जाए, क्योंकि ऐसे बदमाश पैकत के लोग पार्टी की छवि खराब करते हैं और समाज को परेशान करते हैं। इसको तत्काल अगर पार्टी के किसी भी पद पर है उसे निष्कासित किया जाए, और अगर नहीं है तो ये बिना पद के किस ओहदे से पार्टी के लेटर हेड का इस्तेमाल करके लोगों के कंप्लेन डाल रहा है, लोगों की शिकायत करके वसूली का जो कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसकी पार्टी को जानकारी लेते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और इसको तुरंत जेल भेजना चाहिए। इस व्यक्ति के ऊपर विभिन्न थानों में मुंबई के जबरन उगाही, वसूली, ठगी, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे पैसा लेना, किसी की गाड़ी को अपनी गाड़ी बता करके गिरवी रख देना, वहां से पैसा उठा लेना, ऐसे अनेकों तरीके के 420 के केस रजिस्टर हैं। अगर पार्टी ने अनभिज्ञता से इसको कोई पद दिया है तो पार्टी को तुरंत तत्काल इसको पार्टी से निष्कासित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्ति पार्टी के किसी भी काम में नहीं आएगा। मैंने जैसा कि इसके बारे में पता किया, ये पिछले 20 सालों से केवल ठगी का कार्य करता है। पहले समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी में भी इसी तरीके के कुकृत्य करते हुए जब पकड़ा गया तो वहां से इसको निकाला गया। इसके बाद ये कांग्रेस में गया, कांग्रेस में भी इसी तरीके की इसने हरकत की, वहां से भी निकाला गया।